चलो गिव मी एन आंसर, सर। ठीक है आगे बढ़े। यस यस सर। ओके लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। सर सर हाँ सर कल का वीडियो सर क्या रिकॉर्ड हो गया सर हाँ रिकॉर्ड हो गया, यूट्यूब? सर यूट्यूब में सर क्या वीडियो आप अपलोड करेंगे सर? करूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जस्ट मैं क्लास से आया हूँ, अभी ये सेशन लेने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा उसको। हाँ सर कल रात वाला सर। ओके कर दूंगा मैं, ठीक है। सर ओके अभी थैंक, चलो ठीक है लेट्स सी सर। दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हमने जो YDAC डिस्कस किया था ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने जो YDAC डिस्कस किया था दैट वाज YDAC यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। मैंने कभी भी ये वर्ड यूज नहीं किया बट इट वॉज अंडरस्टूड। मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट इसलिए कहा था बिकॉज हमने अपने पूरे डिस्कशन में सिर्फ एक ही लैम्डा माना है ना। हमने अगर फ्रिंज विड्थ निकाला, क्या लिखा था, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो इससे ये समझ में आता है कि हमने जो यहाँ पर वेव कंसिडर किया है वो सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ वाला वेव कंसिडर किया है। बट यहाँ पर देखो क्वेश्चन में देयर सेइंग दैट इट इज अ वाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब तुम ये समझो कि दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट रहेगा व्हाइट लाइट में। एंड क्वेश्चन में ये बोला इट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट, ध्यान से देखो, इट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इन दिस केस इज गिवन एज बी एंड द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए। ठीक है, बी वेरी केयरफुल विद द अल्फाबेट्स इन्होंने यूज किया है। बोला कि स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बी बोला गया है और स्क्रीन और स्लिट ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है ये तस्दीक उर रेजा। किसको जानते हैं इसको, तस्दीक उर रेजा? हाँ सर, हम लोग का कैंपस का है। ओके चलो ए डिस्टेंस डी, ठीक है ना। एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, ध्यान से सुनना, एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग, सम ऑफ द मिसिंग वेवलेंथ्स आर। अभी कौन सा वेवलेंथ मिस है वो हमको निकालना है। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। लेट अस से ये हमारा स्लिप प्लेन है, ठीक है, एंड लेट अस से दिस इज आवर स्क्रीन। ये हमारा स्क्रीन है, लेट अस से ये हमारा सेंट्रल लाइन है, दिस इज आवर सेंट्रल लाइन। अच्छा अभी यहाँ पर इसका नाम S1 है, इसका नाम S2 है, ठीक है ओके। और यहाँ पर द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज बी, मतलब यहाँ पर बोला कि इन दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज नथिंग बट बी, ठीक है। एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज बी एंड द स्क्रीन इज एट द डिस्टेंस ऑफ डी। स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस डी है। एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, एक स्लिट के सामने, मतलब बात को समझो, एक स्लिट के सामने मतलब यहां से अगर रे निकलेगा, एक मिनट, यहां से रे निकलेगा, यहां गिरेगा और यहां से रे निकलेगा तो यहां पर गिरेगा, ठीक है। और अगर मैं इसका एक्सिस बनाऊं तो एक्सिस दिखने में कुछ ऐसा होगा, दिस इज द एक्सियल लाइन जो यहाँ तक जाता है, दिस इज एक्सिस, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स यहाँ पर बोला है कि सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग। अभी यहाँ पर अगर यहाँ पर ये लोग ये बोले कि कुछ वेवलेंथ मिस है, इसका मतलब क्या, व्हाट डज दिस मीन कि सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब जो जो वेवलेंथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा इस जगह पर, वो सारे वेवलेंथ हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। मैंने क्यों कहा जो जो वेवलेंथ, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमने जो लाइट गिराया है दोनों स्लिट में S1 S2, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, वो व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट का मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग लैम्डास ऑफ लाइट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट अस से लैम्डा वन वाला लाइट भी अपना स्क्रीन में इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, लैम्डा टू वाला लाइट भी यहाँ पर अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, लैम्डा थ्री वाला लाइट भी अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। मतलब तुम ये समझो कि बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा एंड ऑल द इंटरफेरेंस पैटर्न आर बेसिकली गोइंग टू ओवरलैप विथ ईच अदर। सारे इंटरफेरेंस पैटर्न एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा।
और इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली उन्होंने दे आर टॉकिंग अबाउट दिस लोकेशन स्पेसिफिकली, बोला कि इस लोकेशन में कौन सा लैम्डा मिसिंग है, मतलब वो लोग ये पूछ रहे कि इस लोकेशन पे सारा लाइट लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा फोर हर हर लाइट का रे यहाँ तक पहुंचता है, लेकिन कुछ रेस दे कैंसल आउट, सम ऑफ द रेस विल कैंसल आउट बिकॉज जिन जिन रेस का यहाँ पर पार्ट डिफरेंस odd multiples of lambda by 2 होगा, वो सारे rays क्या होगा, they will cancel out, ठीक है? तो अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि some wavelengths are missing, इसका मतलब ये है कि जो जो wavelength destructive interference कर रहा है इस location पे, वो हमको screen के इस जगह पर नहीं मिलेंगे, मतलब we need to find out कि इस particular जगह पे destructive interference कौन सा lambdas destructively इस जगह पर interfere कर रहा है, बात को समझो, ठीक है? सेकेंडली तुमको ये भी समझना है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी क्लोज टू सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्क्रीन, टू सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्क्रीन, मैंने वेरी क्लोज टू सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्क्रीन क्यों बोला, बिकॉज भाई ये जो हम जिस पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी क्लोज टू द सेंट्रल लाइन, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि if it is very close to the central line, तो यहाँ पर जो theta बनेगा ना, this theta will be very small. And if this theta is very small, हम वो approximation use कर सकते हैं, जहाँ पर हम sin theta को tan theta मान सकते हैं. बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? Give me a response. सर कैसे close to central portion है सर? Because S1 के slit के सामने है ना, S1, ये S1 के सामने है यहाँ पर. ओ S1 सर बहुत near है सर. भाई दोनों स्लिट्स एक दूसरे के बहुत पास नहीं होता क्या? The distance is very very less. दो स्लिट्स के बीच में. ठीक है? हाँ, आगे बढ़े? आगे का कहानी बताओ. ओके ओके अभी अगर सबको समझ में आ गया तो ध्यान से देखो, अभी अगर मैं यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं तुमको पूछूं भाई साहब ये बताओ कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा, सब लोग बोलेंगे सर डी साइन थीटा, क्योंकि हम यही सीखे आए हैं, दिस इज डी साइन थीटा. ओके बढ़िया है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर d sin थीटा को d tan थीटा लिख सकता हूँ? ये भी लिख सकता हूँ, जस्ट नाउ मैंने तुमको समझाया कि थीटा इज वेरी स्मॉल. अभी आई वांट यू पीपल टू कंसंट्रेट ऑन दिस ट्रायंगल, लेट अस से दिस इज a, लेट अस से दिस इज b एंड लेट अस से c. सो इन ट्रायंगल abc कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. ध्यान से देखना, ये BC वाला जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ अगर B है, मेरे कर्सर को देखो, ये पूरा लेंथ अगर B है तो ये वाला लेंथ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू B by 2, करेक्ट? ओके, एंड tan थीटा की जगह हम परपेंडिकुलर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? B by 2, एंड बेस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? AC वाला लेंथ, और AC वाला लेंथ कितना होता है? D होता है, दिस इज D. ठीक, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस की जगह हम tan थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? B by 2d. लेकिन मैंने एक छोटा सा गलती किया यहाँ पर, मैं एक बार करेक्शन करना चाहूंगा. देखो यहाँ पर सीन क्या है कि एक्चुअली दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस b है, मैंने यहाँ पर गलती से d लिख के रखा, ये d नहीं होगा, यहाँ पर मुझे b लिखना पड़ेगा. किसी को कोई डाउट इसमें? एनीवन एनी डाउट? जो मैंने कहा ये b है तो हमको d sin थीटा नहीं लिखना चाहिए था, हमको क्या लिखना चाहिए था? b लिखना चाहिए था. गिव मी अ रिस्पांस. समझ में आया क्या गलती किया था? ओके, सो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? दिस इज b स्क्वायर बाय 2d, सो दिस इज द पार्ट डिफरेंस, राइट? अच्छा, और as because यहाँ पर wavelengths are missing, यहाँ पर wavelengths will destructively interfere, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी वेव पहुंचेगा, जो भी पर्टिकुलर लैम्डास का वेव पहुंचेगा, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, वो जो वेव्स पहुंचेगा दे विल डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर, विच मींस यहाँ का इस पर्टिकुलर जगह का जो पार्ट डिफरेंस होगा इट हैज टू बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. ठीक है, there has to be an odd multiple of lambda by 2, which means अगर ये मेरा पार्ट डिफरेंस है del x, try to understand, this should be बराबर 2m minus 1 lambda by 2, right? Because ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन तुमको बताएगा कि यहाँ पर destructively interference हो रहा है. तो देखो 2 2 cancel out हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं lambda का वैल्यू लिखना चाहूँ तो lambda क्या होगा? ध्यान से, that is p square divided by, ध्यान से देखो, नीचे आ जाएगा d और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2m minus 1. Right, understand. So, यहाँ पर अगर मैं m के वैल्यू को वैरी करते जाओ, भूलो मत m जो है वो हमेशा इंटीजर ही लेगा, m का वैल्यू 1 या m का वैल्यू 2 या m का वैल्यू 3, तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा? अगर मैं m का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो b स्क्वायर बाई डी, अगर मैं m का वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो b स्क्वायर बाई 3d, अगर मैं m का वैल्यू
थ्री पुट करता हूं तो बी स्क्वायर बाय फाइव टी, ऐसे करके जाता रहेगा। तो ये कौन सा लैम्डा से, ये जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा से, कौन सा लैम्डा से, ये सारे लैम्डास हमने कौन से रिलेशन से डिराइव किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सारे लैम्डास का कंडीशन जो हमने अप्लाई किया, ये कंडीशन अप्लाई किया है, इन लैम्डास का जो पार्ट डिफरेंस होगा इन जगह पर, दैट विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, व्हिच मींस ये सारे लैम्डास जो है दे विल डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर, दैट मींस दिस लैम्डास विल बी मिसिंग। अगर मैं करेक्ट ऑप्शन देखो, दिस इज बी स्क्वायर बाई डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर ही होगा, सॉरी बी स्क्वायर बाई थ्री डी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन आई थिंक सो। और तो ये दो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जे 1984 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी नाउ। करने के सर कलर सेम होना पड़ेगा सर लाइट का, क्या क्या मतलब ये इधर सो लेट आया व्हाइट लेट, अगर तो वो बस साथी डिस्ट्रक्टिव इंच कर सकते हैं। डैनियल मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तेरा आवाज पूरा कट करके आ रहा, पूरा क्रैक है पूरा। एनीवन एल्स सभी आ रहा है सर, अगर सर अगर ये सिंगल करेक्ट वो होता तो ऑप्शन एप्रोप्रिएट ए होता क्या सबसे ज्यादा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिंगल करेक्ट होता तो ऑप्शन सी दिया हुआ नहीं रहता, एप्रोप्रिएट नहीं है, पर सारे लैम्डास कैंसिल आउट करेंगे। नहीं सर, बहुत पास है तो मतलब फर्स्ट मिनिमा कंसीडर करें ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बहुत पास तो हमेशा होगा, फर्स्ट मिनिमा हो सेकंड मिनिमा हो, देखो अभी लैम्डास अलग अलग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लैम्डास अलग अलग है तो स्क्रीन में अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो सोच इस लैम्डा का जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है उसमें यहाँ पर डार्क स्पॉट है, और इस लैम्डा का जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है उसका भी यहाँ पर डार्क स्पॉट है, बट ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी क्लोज टू द स्क्रीन ना, वट एवर बी द लाइट, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर ही पाएंगे वट एवर बी द केस, ठीक है। एनीवन एल्स प्लीज, इसका एक स्नैपशॉट ले लो तुम लोग, सभी दे रहे हैं, कोशिश कर, सुनता हूं मैं। या ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में डिस्कस नहीं किया, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, जो जो लोग सबके लिए क्वेश्चन नया आई है, ठीक है ना, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बाइक्रोमेटिक लाइट, नाउ व्हाट यू मीन बाय बाइक्रोमेटिक लाइट, बाइक्रोमेटिक लाइट का मतलब है कि दो वेवलेंथ, टू वेवलेंथ, बहुत सिंपल है, टू लैम्डास होगा, अलग अलग लैम्डा, मतलब लाइट इज यूज्ड इन वाईडीएसई हैविंग वेवलेंथ लैम्डा 1 400 नैनोमीटर, लैम्डा 2 700 नैनोमीटर, ठीक है। फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 व्हिच ओवरलैप्स विद द ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। देखो तुमको ये समझना है कि यहाँ पर तुमने दो लाइट YDSA में गिराया है और हर एक लाइट खुद का एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, मतलब तुम एक इमेजिन करो लैम्डा 1 का एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा स्क्रीन में और लैम्डा 2 का भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, राइट। एंड ऑब्वियसली जो मैक्सिमास का लोकेशन होगा, मिनिमास का लोकेशन होगा, लोकेशन हम कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूला से निकालते हैं लोकेशन, ये फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमा निकालना है तो एम लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, डेफिनेटली लोकेशन किस पे डिपेंड करेगा, लैम्डा पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर लैम्डा दोनों का अलग अलग है तो फ्रिंजेस का जो लोकेशन होगा वो भी अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर मजेदार क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 व्हिच विल ओवरलैप विद ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2। सारे ब्राइट फ्रिंजेस लैम्डा 1 का वो लैम्डा 2 के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसे ब्राइट फ्रिंजेस होंगे लैम्डा 1 का जो कि लैम्डा 2 के साथ क्या कर जाएगा, लैम्डा 2 के ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो पूछा है कि लैम्डा 1 वाले लाइट के कौन सा मिनिमा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा मिनिमा लैम्डा 2 के, सॉरी नॉट मिनिमा, ब्राइट बोल रहा है तो मैक्सिमा होना चाहिए, तो लैम्डा 1 का कौन सा यू नो ब्राइट फ्रिंज, कौन सा ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 2 के कौन से ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अभी लेट अस इमेजिन कि मेरे पास ये स्क्रीन है, लेट्स इमेजिन दिस स्क्रीन, ये हमारा स्क्रीन है और ये हमारा सेंट्रल लाइन है, दिस इज अवर सेंट्रल लाइन, ठीक है, दिस इज अवर सेंट्रल लाइन,
और यहाँ पर हमको फ्रिंज विथ का फंडा पता है कि फ्रिंज विथ का लेंथ कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन में राइट टू अंडरस्टैंड बहुत सारे अलग अलग फ्रिंजेस बनेंगे राइट। तो लेट अस से लैम्डा वन का एमथ ब्राइट फ्रिंज लैम्डा टू के एनथ ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर जाता है, लैम्डा वन का एमथ ब्राइट फ्रिंज लैम्डा टू के एनथ ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर जाता है, कुछ ऐसा है। समझ में आया? बोलो यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया? Is that clear? Okay. So can you tell me the height of the mth bright fringe central line से कितना ऊपर हमको mth bright fringe मिलेगा? ये distance कितना होगा? M 400 values हम लोग बाद में put करेंगे, ठीक है ना? Lambda one लेते हैं, capital D by small d, चलेगा? Right? ये height है। Okay. Is that clear? Similarly, ध्यान से देखो यहाँ पर। अभी अगर मैं, you know, nth fringe, bright fringe भी यहाँ पर ही है। For example, nth bright fringe भी यहाँ पर ही है। Right, understand? तो ये वाला height कितना होगा nth bright fringe का? इसको हम लिख सकते हैं। Nth है तो n lambda 2 capital D by small d लिख सकते हैं। And as we can see, they're overlapping with each other, मतलब दोनों का vertical height, दोनों का y का value क्या होगा? Same होगा। So we can write that y mth will be equal to the height of y nth bright fringe. तो y mth bright fringe का कितना होगा? ध्यान से देखो, that is m lambda 1 capital D by small d, और इसका कितना होगा? That is n lambda 2 capital D by small d. तो छोटा d capital d चला गया, और m by n का ratio क्या आएगा? ध्यान से देखो, that is lambda 2 by lambda 1, और ध्यान से देखो lambda 2 by lambda 1 कितना होगा? 7 by 4 या 14 by 8 या 21 by 12. बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं आया ratio, ये बताओ। Do you understand this? Is this clear? यहां तक जो मैंने किया है, कौन? Give me an answer. Yes, sir. Yeah. Clear है ना? Yes, sir. हाँ. इसका मतलब क्या yes, है? इसका मतलब ये है कि lambda 1 का 7th bright fringe lambda 2 के 4th bright fringe के साथ क्या करेगा? Overlap करेगा. या lambda 1 का 14th bright fringe lambda 2 के 8th bright fringe के साथ overlap करेगा. Lambda 1 का 21st bright fringe 12th lambda 2 के bright fringe के साथ overlap करेगा. But यहाँ पर तुमको question में क्या पूछा गया है? Minimum पूछा, minimum. That means we are concerned about this overlapping. इस overlapping को लेके concerned है, और हम ये कहेंगे कि 7th bright fringe of lambda 1 will overlap with the 4th bright fringe of lambda 2. Is that clear? Come on, give me an answer. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. हमेशा याद रखना, m और n जो है ना, they're always integers. यहाँ पर इसके इंफ्लुएंस नहीं है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज आगे जाके हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये जो इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे रहा हूँ ये यूज होगा बहुत ज्यादा, ठीक है? अब इसका एक फोटो खींच के रखो, फोटो मतलब स्क्रीनशॉट लेके रखो, देन वी विल मूव अहेड. देखो हमको ना थोड़ा थोड़ा ऐसा क्लासेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमको अपना कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है, उसके बाद हमको रिवाइज करना है, तो तुमको यू विल हैव टू कम फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है सर? सर इसका मतलब सर और यूट्यूब में वीडियोस अपलोड नहीं होंगे? होंगे ना, मैं ये अपलोड करूंगा ना फिर से, ये वाला वीडियो डिस्कशन. ओके सर, सब कुछ अपलोडेड होगा यूट्यूब पे सर. मतलब सर, मतलब ऑलवेज मतलब यही जूम क्लास? हां, ऑलवेज जैसे वो आएगा क्या सर? क्या क्या बोला सर? मतलब क्लास सर, मतलब जो थ्योरी क्लास होगा वो भी यहीं पे होगा क्या? पता नहीं यार, मैंने हाँ सर हमेशा पता नहीं यार, मतलब अभी मैं अपने आप को टाइम के साथ चेंज कर रहा हूँ, मैं कंडीशंस देख रहा हूँ, क्लास में इतने बच्चे आते नहीं है, 3-4 बच्चे आते हैं, और वहां जाके क्लास में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब फोन पकड़ा के वो अच्छा भी बनता नहीं है, तो लेट्स सी, ठीक है ना? लेट्स सी, मैं वो टाइम के साथ वी विल थिंक अबाउट दिस.